एक रिंग लाइट और ये है एक एलईडी पैनल। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इन दोनों के बॉक्सेस में आपको क्या क्या मिलता है। रिंग लाइट में आपको एक इस तरह की रिंग लाइट मिलेगी और एक इस तरह की केबल मिलती है, एंड इस वाले एलईडी पैनल में आपको एक पैनल मिलता है और एक इस तरह का रिमोट मिलता है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी यूट्यूब चैनल स्टार्ट ही किया है तो आपको इस वीडियो के बाद पता चल जाएगा कि आपको कौन सी लाइट लेनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं रिंग लाइट से। इस रिंग लाइट का नाम है डिजिटेक DRL19 है, जो कि बहुत ही यूजफुल लाइट है। इसके पीछे आपको दो इस तरह के नॉब मिलते हैं, एक से आप लोग इसकी ब्राइटनेस की इंटेंसिटी को चेंज कर सकते हो और दूसरे से आप लोग इसका टेम्परेचर चेंज कर सकते हो। इसके अलावा आपको इसमें एक ऑन ऑफ बटन भी मिलता है और एलईडी पैनल में आपको पीछे एक ऑन ऑफ बटन मिलेगा। और जो आप लोग ये चार बटन देख रहे हो, इससे आप लोग धोखा मत खाना, क्योंकि ये बटन नहीं है, ये बस इन लोगों ने इंडिकेट कर रखा है कि इसमें ये फीचर मिलते हैं। लेकिन इसके साथ आपको एक इस तरह का रिमोट मिलता है, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज है। आप लोग इस रिमोट की मदद से लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हो, उसकी इंटेंसिटी को चेंज कर सकते हो, टेम्परेचर को चेंज कर सकते हो। बीच में आपको एक इस तरह का गोल बटन भी मिलता है, जिससे कि आप लोग एक ही बार में इसको वार्म या फिर कूल कर सकते हो। और जो आप लोग नीचे ये बटन देख रहे हो 20%, 50% और 100%, अगर मैं 20% दबाता हूं तो ये लाइट 20% पे हो जाएगी, मतलब इसकी इंटेंसिटी चेंज हो जाएगी 50%, तो और इंटेंसिटी थोड़ी बढ़ जाएगी और 100% पे फुल हो जाएगी। नीचे आपको तीन और बटन मिलते हैं, जिससे कि आप लोग इसको अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। एंड अगर इस पैनल का मैं आपको एक डिसएडवांटेज बताऊं तो इसका तार बहुत ही छोटा है, वहीं अगर इस रिंग लाइट का तार हम लोग देखेंगे तो वो काफी बड़ा है। और दोनों ही पैनल और रिंग लाइट में आपको एक इस तरह के नीचे नॉब मिलते हैं, जिससे कि आप लोग इसके एंगल को चेंज कर सकते हो। एंड अगर आप लोग अभी अभी यूट्यूब चैनल स्टार्ट ही कर रहे हो, तो अगर आप लोग कैमरा ऐसे रखते हो तो आपको दोनों लाइट्स को 45 डिग्री के एंगल पे सेट करना पड़ेगा, और उसके लिए ये दोनों नॉब बहुत ही यूजफुल है। तो ये तो मैंने आपको सारी इसकी बेसिक चीजें बता दी, लेकिन अब मैं आपको इसके कुछ प्रैक्टिकल यूजेज बताता हूँ। जैसे कि अगर आप लोग चश्मा पहनते हो तो आपको ये रिंग लाइट बहुत ही ज्यादा परेशान करने वाली है। जब हम लोग इसको ऑन करेंगे तो हमारे चश्मे में इस तरह का रिफ्लेक्शन आ जाता है, या फिर अगर आप लोग बोलते बोलते ऐसे ऊपर नीचे इधर उधर देखोगे तब भी आपके आंखों में इस तरह का रिफ्लेक्शन आएगा। एंड इवन अगर हमें टॉप डाउन शॉट भी लेना है, जैसे कि अगर मैं इस तरह से इसको लगा दूंगा तो मतलब पूरी टेबल पे एक गोल रिफ्लेक्शन दिखता है, या फिर अगर मैं इसको किसी भी एंगल पे सेट करूंगा तो इस तरह की टेबल पे इसका रिफ्लेक्शन काफी क्लियर दिखता है और ये वीडियो में बहुत ही गंदा लगता है। और वहीं अगर मैं पैनल के बारे में बताऊं तो इसमें भी रिफ्लेक्शन तो आता ही है, लेकिन इतना क्लियर नहीं आता जितना कि इसमें एकदम गोल रिफ्लेक्शन दिखता है। इसका रिफ्लेक्शन हम लोग मैनेज कर सकते हैं किसी तरह, बट ये तो बहुत ही मुश्किल है भाई। ये वाली रिंग लाइट आपको अप्रोक्स 3500 की मिलेगी, एंड ये जो पैनल आप लोग देख रहे हो ये कंपैरेटिवली बहुत ही सस्ता है। मैंने इसको 1400 रुपए का लिया है, लेकिन ये शायद ऑनलाइन मिले या ना मिले। अगर इसकी लिंक मिलती है तो मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि मैंने इसको दिल्ली से लिया है, चांदनी चौक मार्केट से, इसी वजह से शायद ये मुझे सस्ता पड़ा है। तो अभी मैंने पूरे कमरे में सिर्फ एक रिंग लाइट जला रखी है और आप लोग देख सकते हो कि पूरे कमरे में मतलब काफी अच्छी खासी रोशनी हो गई है। और यहीं अगर मैं सिर्फ एक पैनल जलाता हूं तो उससे भी कमरे में उजाला तो हो जा रहा है, बट कंपैरेटिवली थोड़ा कम हो रहा है। लेकिन ये है 3500 की लाइट और ये है 1400 रुपए की लाइट, अगर मैं इनको दो भी ले लूंगा तब भी ये इससे कम पड़ेगी। अब एक बार इन दोनों पैनल को एक साथ जलाकर देखते हैं तो आप लोग देख सकते हो कि इन्होंने पूरे कमरे में काफी अच्छी तरह से उजाला कर दिया है। और वीडियो में भी अगर मैं केवल एक रिंग लाइट को यूज करूंगा तो मेरा ये वाली साइड या फिर ये वाली साइड ब्राइट होगी और इस साइड में हल्का सा डार्क टोन आ जाएगा, मतलब ये थोड़ा सिनेमैटिक टाइप लगता है। लेकिन मैं इन दोनों पैनल को दोनों तरफ से लगा सकता हूं ताकि इवन लाइटिंग पड़े और ये देखने में भी काफी बढ़िया लगता है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि चैनल में काफी तगड़े तगड़े बीरोल आते हैं, एंड अगर इस लाइट की मदद से मैं बीरोल लेने की कोशिश करता हूं तो काफी ज्यादा रिफ्लेक्शन आ जाता है और ये इस तरह से मतलब गोल रिंग आ जाती है, बट इन पैनल के साथ ऐसा नहीं है। तो एक पॉइंट यहाँ पे जीत जाते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि ये 3500 की है, ये 1400 रुपए की लाइट है। आप लोग सेम इसी प्राइस पे दो लाइट ले सकते हो। तो अभी बात करते हैं कि ये जो इतनी हार्श लाइट हमारे चेहरे पे पड़ रही है, इसको हम लोग किस तरह से सॉफ्ट कर सकते हैं। तो वैसे तो मार्केट में काफी सारे सॉफ्ट बॉक्स वगैरह आते हैं या फिर अम्ब्रेला वगैरह भी आते हैं, लेकिन अभी हम लोग इस वीडियो में ट्रेस पेपर का यूज करने वाले हैं। तो अभी मैं सेम डिस्टेंस पे ही बैठा हूं, बट मैंने यहाँ पे ट्रेस पेपर लगा दिया और आप लोग पहले का और अभी का डिफरेंस देख सकते हो। एंड सेम चीज एक बार पैनल के साथ भी करके देखते हैं और इससे आपको ये भी अंदाजा लग जाएगा कि जो इतनी महंगी महंगी लाइट्स होती है उसका प्राइस इतना हाई क्यों होता है, क्योंकि इतने पास बैठने में भी वो काफी सॉफ्ट लाइट फेंकती है। इसी वजह से हर कोई उन लाइट्स को लेना प्रेफर करता है, क्योंकि जितनी सॉफ्ट लाइटिंग होगी उतनी ही बढ़िया आपकी वीडियो बनेगी। एंड अगर आप लोगों के पास एक बजट सेटअप होगा तो आपको ये लाइट्स यूज करने में और भी ज्यादा मजा आ जाएगा, तो उसके लिए आप लोग ये वीडियो देख सकते हो।